हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशाखा और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है विशाखा किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी चिपकी चिपकी सी रहे तो मन नहीं करता है खाने का, बट अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इस रेसिपी को आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है, जिसे पानी से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। भिंडी के जो डंठल है उसे हम काट लेते हैं। अब भिंडी को जैसे आपको पसंद है वैसे बड़े या छोटे टुकड़ों में काट ले। चलिए अब इसे पका लेते हैं। अब बर्तन में तेल गर्म करने के लिए रखते हैं। अच्छा, तेल गर्म हुआ है। अब इसमें आधा चम्मच इतना जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे और साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च भी डालते हैं और 1 चुटकी इतना हींग पाउडर डालेंगे। इससे तड़के में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन इसलिए डाला है, भिंडी में जो चिपचिपापन रहता है वो एब्जॉर्ब करेगा बेसन और सब्जी खिली खिली सी बनेगी। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे हमें भून लेना है, वरना मसाले है वह जल सकते हैं। अब इसमें जाएगी कटी हुई भिंडी। अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो चूल्हे को मध्यम या धीमी आंच पर ही रखें। 100 चम्मच से चलाते हुए इसे हमें भून लेना है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है हमें, वरना सब्जी हमारी ड्राई नहीं बनेगी। वैसे सब्जी जल्दी फ्राई हो जाती है। सो 7 से 8 मिनटों के बाद भिंडी की सब्जी तैयार है। थोड़ी सी ताज़े धनिया के पत्ते डालेंगे इसके ऊपर। अच्छे से मिलाएंगे तो तैयार है भिंडी की सब्जी। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह भिंडी की सब्जी को ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाइए और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।